हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जिसका नाम है मास्टर ऑफ करंट अफेयर आंट जी के। आज ये लेटेस्ट न्यूज आई है आज के न्यूज़पेपर में कि शिक्षक भर्ती के लिए दो तरह के कट ऑफ से असमंजस में है सरकार। इसलिए सरकार समझ नहीं पा रही है कि किस पे भर्ती करे, इसलिए वो डबल बेंच में जाने का मन बना चुकी है पूरी तरह से। तो चलिए देखते हैं कि ये इसमें पूरी न्यूज़ में क्या है। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासन की ओर से तय कट ऑफ सवालों के घेरे में है। घोषित कट ऑफ को हाईकोर्ट की अलग अलग पीठ में चुनौती दी गई। दोनों न्यायालय में लंबे समय तक सुनवाई होने के बाद फैसला सुनाया जा चुका है। खास बात यह है कि फैसले में दो तरह के निर्देश हैं, इससे शासन व परीक्षा संस्था असमंजस में है कि आखिर किस आदेश का पालन करे। इसीलिए शासन इसे बड़ी बेंच में चुनौती देने की ओर बढ़ा है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 1 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। लिखित परीक्षा 6 जनवरी को कराई गई। 7 जनवरी को शासन ने भर्ती का कट ऑफ अंक तय किया। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 व आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक पाना अनिवार्य किया गया। इसके बाद से ही अभ्यर्थियों का एक वर्ग खासा नाराज है और इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। खास बात यह है कि एक प्रकरण को 2 याचिकाएं हुई। रिजवान अहमद ने लखनऊ खंडपीठ और रीना सिंह व अन्य ने मुख्य पीठ इलाहाबाद के समक्ष याचिका दायर की। दोनों पीठों ने शासनादेश जारी करके परीक्षा संस्था व शासन से जवाब तलब किया। दोनों पीठों में लंबी सुनवाई चली। आखिरकार लखनऊ पीठ खंडपीठ में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की बेंच ने आदेश दिया कि 68,500 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ अंक के आधार पर इसमें भी चयन हो। मतलब लखनऊ खंडपीठ में जो है फैसला आया कि 68,500 में जो भी कटाव थी 40-45%, उसी पे जो है 69,000 भर्ती भी हो। लेकिन वहीं जहां पर रीना सिंह व अन्य की याचिका में न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने आदेश दिया कि भर्ती के शासनादेश में दिए गए प्रावधान के अनुसार की जाए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कटाव जो है इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी कटाव ही ना हो, क्योंकि विज्ञापन में 0 था, इसलिए 0 करने की बात कह रहा है वो। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।